अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खास तौर पे हम आज टेस्को में किस चीज़ की तलाश में आए हैं, और हमेशा वो चीज़ कुछ ना कुछ ऑफर में होती है, किसी ना किसी कंपनी की होती है। अब देखते हैं वो चीज़ हमें मिलती है या नहीं। साथ रहिएगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें क्वालिटी क्या क्या है और खासियत क्या क्या है और आपको कौन सी लेनी है। हाँ, तो मैंने इंट्रो में बताया था शेफील्ड में जो टेस्को है, टेस्को एक्स्ट्रा, इसमें आने का क्या मकसद था, क्या खास मकसद था, वो ये थे टिल्डा राइस। नहीं नहीं नहीं, बताने का मकसद ये है, टिल्डा राइस सबसे महंगा चावल होता है और ये इंडिया से प्रोड्यूस हो रहा है। और ये भी इसकी कहानी पता चली है कि दुबई के अंदर पाकिस्तान से जो फाइन क्वालिटी का आता है चावल, वो इंडियन इम्पोर्ट कर रहे हैं और फिर अपनी पैकिंग में लेकर सब जगह एक्सपोर्ट। बहुत से चावलों के साथ यही हो रहा है। सेला टिल्डा का या नॉर्मल बासमती बहुत ही एक्स्ट्रा है, बहुत शानदार। इसी तरह मैं तमाम चावलों के प्राइसेस आपको दिखाता हूँ, कौन से चावल कितने के हैं और किसकी क्या क्या प्राइस है। ये इंडियन पैकिंग्स के अंदर है जो इंडियन की तरफ से आ रहा है। ब्राउन राइस आ गया बासमती में। ब्राउन राइस आजकल काफ़ी फेमस है और हेल्थ इशू की वजह से काफ़ी लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। टिल्डा और जो स्पेशल कोहिनूर, जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये 14 पाउंड में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इसके प्राइस बढ़ा देते हैं। फर्स्ट टाइम जो भी चावल लाते हैं मार्केट में उसकी प्राइस नॉर्मल रखते हैं, ऑफर में सेल करते हैं। नो डाउट क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है। और आपको पता है बासमती खुशबू, जायका और इसकी क्वालिटी क्या चीज़ है। तो ये है सारा का सारा सिस्टम। लेला भी पाकिस्तान से प्रोड्यूस हो रहा है, पाकिस्तानी नाम के साथ प्रोड्यूस हो रहा है। कोहिनूर भी पाकिस्तान से आ रहा है, उसी के नाम के साथ आ रहा है। कोहिनूर का गोल्ड है, गोल्ड और थोड़ा सा महंगा कर दिया इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ ग्रेडिंग का फ़र्क है। पहले चेक करते हैं, जो ज़्यादा बड़ा है उसको गोल्ड में डाल दिया गोल्ड, फिर उसके ऊपर दूसरा। अब ये एक और टिल्डा के मुकाबले में और महंगा आया है, इंडिया गेट के लास्ट सिकल बनास्पति, जो प्राइस पुराने की है नए की डिफरेंट। हमारे पास बादशाह भी, जितने भी बासमती पाकिस्तान से आए हुए हैं, प्राइस का फ़र्क है। जिसमें ऑफर लगी होती है यानी जो डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा होता है बासमती पाकिस्तानी, मैं वही राइस लेता हूँ। ये देखिए, अब ये 10 किलो 19, सबकी प्राइस, वेट प्राइस मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो इस वक्त शेफील्ड के अंदर टेस्को में मिल रहा है आसानी के साथ। ये देखिए लॉन्गर बासमती। अच्छा, जो आकाश था बहुत ही सस्ता एक दफ़ा लगा हुआ था, और अभी भी देखें ना इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन है, मगर इस पे इन्होंने मिक्स किया हुआ है चावल, छोटा बड़ा सारे मिक्स किए हुए हैं, जो इसकी क्वालिटी डाउट में डाल देते हैं। अभी जो गायब हुआ हुआ है वो सबसे सस्ता था, वो सारा का सारा गायब हो गया है। चलें वेट करते हैं, आता है तो आपको इसको भी दिखाते हैं। फिर मेरी तलाश थी कि मुझे क्या लेना है, और ये मुझे मिल गया जो नया पैकिंग में आया है, लेला बासमती एक्स्ट्रा गोल्डन लॉन्ग, बेहतरीन किस्म का इसको उन्होंने प्रोड्यूस किया है नई पैकिंग के साथ। तो मैंने इसको ये इसको लिया है, और इसको थी ऑफ़र, ये तकरीबन था 15-16 पाउंड का, 13 पाउंड समथिंग का, और ऑफ़र में था 8.50 का। तो इसको हमने लिया है, इसको हम ट्राई करेंगे। अपना ख़ास तौर पे ख्याल रखना, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आती रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।